आपको तीन सब्जेक्ट एक ही साथ पढ़ना है, ये बस इंश्योर कीजिए कि आज एक चीज़ पढ़ा, आज जितना भी पढ़ाया ट्राई कीजिए कि एक बार बस देख सके, नहीं हुआ कोई बात नहीं कल ट्राई कीजिए, नहीं हुआ परसों, बट ऐसा नहीं कि दो तीन हफ्ते का बैकलॉग, मतलब बैकलॉग को आप अवॉइड कीजिए। जितने भी लोग ऐसे भी अपने इंटरव्यू शकील का लिमिटेड है, एक ही वर्ड बार बार रिपीट होगा कि नीट का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। हमने ना कि सिर्फ नीट बल्कि जेई मेन, नीट, ओलंपियाड, बोर्ड सब एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ओलंपियाड की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ओलंपियाड में हमारे बच्चे नेशनल लेवल पे टॉप 1% में शाइन किए। इवन शकील ने फिजिक्स का ओलंपियाड भी क्वालिफाई किया, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारे ओलंपियाड क्वालिफाई किए। शकील के जैसे और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने ओलंपियाड जो कि इंडिया का टफेस्ट एंट्रेंस माना जाता है उसको हमारे यहाँ से अराउंड 7 to 8 बच्चों ने ओलंपियाड एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। जेई मेन में हमारे यहाँ से 99% से ऊपर 6 बच्चों ने स्कोर किया जो कि एक प्राउड मोमेंट की बात है। जैसे ऑलरेडी सर कह रहे थे कंपटीशन तो बढ़ गया है तो रैंक थोड़ा वो हो गया, बट स्टिल मैं बहुत ही खुश हूँ अभी भी कि नॉर्थ आसाम के साथ नॉर्थ ईस्ट भी टॉप कर पाया मैं। और एंड बिसाइड्स कि कहते अब और भी और कहते डॉक्टर्स का ही होता है और भी एक चांस है हमारे पास पीजी हो के और भी एक अच्छा एम जल्दी से फिर भी मैं आ सकता हूँ और फिर से मैं यही आसाम को सर्व कर सकता हूँ। तो मेरे लिए अब मैंने ये एक और एम बना लिया अपना कि ये तो कर लिया, कर लूँगा मैं एक अच्छे जगह से एम्स भुवनेश्वर हो या कहीं भी किसी भी अच्छे कॉलेज से फिर फर्दर मैं ट्राई करूँगा, ये हो गया मेरा एक नेक्स्ट गोल बन गया। तो जैसे कहते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है तो उस हिसाब से मैंने इसको एक मतलब इतना कहते पहले तो बहुत दिल पे ले लिया था कि सोच रहा था कि अगर मार्क्स ज़्यादा घट गया तो मैं ड्रॉप ले लूँगा, बट अभी तो क्या कहते हैं अभी जब रिजल्ट आ चुका है तो अब बस यही नेक्स्ट टाइम है कि फर्दर मैं अपने आप को कैसे इम्प्रूव करूँ फर्दर। तो आपको तीन सब्जेक्ट एक ही साथ पढ़ना है, ये बस इंश्योर कीजिए कि आज एक चीज़ पढ़ा, आज जितना भी पढ़ाया ट्राई कीजिए कि एक बार बस देख सके, नहीं हुआ कोई बात नहीं कल ट्राई कीजिए, नहीं हुआ परसों, बट ऐसा नहीं कि दो तीन हफ्ते का बैकलॉग, मतलब बैकलॉग को आप अवॉइड कीजिए। जितने भी लोग ऐसे भी अपने इंटरव्यू शकील का लिमिटेड है, एक ही वर्ड बार बार रिपीट होगा। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰা।